नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूरेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल मयूरेश। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होनर प्ले से लेके पोको F1 से लेके एसुस जेनफोन 5G से लेकर ऐसे टॉप बजट स्मार्टफोन जो कि आपको अंडर 25K में मिलेंगे, जो कि आपको देंगे पबजी खेलने में विदाउट लेग और वो भी हाई सेटिंग के ऊपर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, गेमिंग जो है इस समय बहुत सीरियस हो चुकी है। मोबाइल गेमिंग जैसे पीसी गेमिंग अभी थोड़ी थोड़ी ग्रो हो रही थी कुछ समय पहले, उससे डबल लेवल पे ग्रो हुई है पबजी मोबाइल के कारण से गेमिंग। तो यानी अब के समय हर एक बंदा जो है वो खेलना चाहता है पबजी अपने मोबाइल फ़ोन में, और वो चाहता है कि भाई बिना लेग किसी लेग के वो जो है अच्छे तरीके से पबजी जो है खेल सके, ताकि उसे कुछ दिक्कत ना पड़े अपनी गेमिंग और दूसरे को अपनी स्किल से जो है वो दिखा सके। लेकिन अब क्या है, फ्लैगशिप फ़ोन क्या हर एक अफोर्ड नहीं कर सकता। वो जो होते हैं ये सैमसंग और इनके वन प्लस के बहुत महंगे होते हैं, 30,000-40,000 के, तो हर एक के लिए वो ख़रीदना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि आपको जो है फ्लैगशिप प्रोसेसर जो है वो आपको मिड रेंज स्मार्टफोन में भी आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपके बजट में सूटेबल होते हैं। तो इन्हीं प्रोसेसर में एक प्रोसेसर सबसे हाईएस्ट है, जिसका नाम है स्नैपड्रैगन 845। तो ये फ्लैगशिप प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का, जो कि हाई परफॉर्मेंस के साथ आता है। तो आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको आज की इस वीडियो में टॉप 5 स्मार्टफोन्स अंडर 25K के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो इसी लिस्ट में सबसे पहला जो है वो है पोको F1। तो दोस्तों, पोको F1 तो पिछले साल आया था, लेकिन अब जो है उसका पोको F2 जो सेकेंड वेरियंट जो उसका सक्सेसर जो है वो बहुत ही जल्दी जो है आने वाला है, बहुत ही आसपास में है, कुछ ही समय में लॉन्च होने वाला। ऑलरेडी मैंने पोको F2 के ऊपर एक वीडियो बना दी है। तो पोको F1 जो है वो स्टिल अभी भी राजा है अंडर 25K, जो कि गेमिंग के अंदर आता है, जिसमें जो आपको देखने को मिलेगा मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर ऑफ स्नैपड्रैगन 845 SoC। तो ये जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, और पोको F1 जो है वो मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन है अंडर 25K इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग पावर। इसके अलावा कैमरे में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम है, बाकी अगर प्रोसेसिंग में बात करें अंडर 25K तो आपको सबसे बेस्ट यही स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको इसमें देखने को मिलेगा 8GB रैम और 256GB की स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट। ये जो है आपको 4000mAh की बैटरी के साथ देखने को मिलेगा। इसमें आपको देखने को मिलेगी 6.1 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले, और साथ ही साथ आपको इसमें देखने को मिलेगा एक नॉच, और इसमें होगा 12+5MP का डुअल रियर कैमरा, जो कि 5MP का जो है एक डेप्थ सेंसर और 12MP का प्राइमरी कैमरा है। अगर फ्रंट की बात करें तो आपको फ्रंट में देखने को मिल रहा है 20MP का एक सेल्फी कैमरा। इसके आपको दो वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक 6GB है, 6 128 और 8 256। तो फर्स्ट वेरिएंट का जो है बेस वेरिएंट उसकी 20,999 यानी 21,000, और दूसरे की जो है 24,999 यानी 25,000 में। तो ये था पोको F1, जो कि अपने राजा बन के रखा है, जो कि 20,000 के प्राइस सेगमेंट में। अगर आप 20,000 का बजट है तो आप ये स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब जो सेकंड फ़ोन जो आता वो है एसुस जेनफोन 5G। तो भाई ये जो पहला फ़ोन था जिसमें आपको देखने को मिल रहा था अंडर 30K, जो कि था स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर के साथ वाला, तो ये आया। इसके बाद में पोको F1 आया, जिसने इसकी सेलिंग थोड़ी कम करा दी थी। इसमें आपको देखने को मिल रहा था फास्टेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर 845, अभी भी मिल रहा है, लेकिन इसकी प्राइस जो है वो डाउन हो गई 24,999 यानी सीधे 5,000 का डाउनग्रेड जो इसकी प्राइस में हो चुका है। ये फ़ोन में आपको दो स्टोरेज वेरिएंट में दिखने को मिल रहा है, 664 और 6128। तो ये जो इसमें जो प्रोसेसर ये फ़ोन है, इसमें इतनी कैपेबिलिटी कि आपके गेम को जो है क्रंच करके दिखा सके, यानी इतना स्मूथली ये भी रन करा सकता है। इतने कम स्टोरेज वेरिएंट में ये जो है इतना पावरफुल आपको देखने को मिलेगा 25,000 में। इसकी जो स्पेक्स है वो है 6.2 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले, नॉट डिस्प्ले इसमें भी मिलने वाली है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा बेटर कैमरा मिलने वाला है, जो कि है 12+8MP का डुअल रियर कैमरा। तो बेसिकली एसुस जेनफोन 5G में क्या है, आपको मिलने वाली प्रीमियम लुक्स, वेरी गुड कैमरा, इसके अलावा पावरफुल SoC और नीट प्राइस, यानी प्राइस रेंज भी आपको एक बहुत ही सूटेबल देखने को मिल रही है। तो तीसरा फ़ोन जो आता है वो होनर प्ले। भाई ये फ़ोन के साथ तो बहुत पंगा हुआ, ये फ़ोन लॉन्च हुआ इसके बाद में पोको F1 आ गया, जिसने इसकी पूरी सेलिंग जो है ज़ीरो कर दी। फिर इन्हें क्या करा, 20,000 से इसकी प्राइस हटा के रख दी 16,000 15,000 16,000 रुपये, यानी इसके बाद में इसकी थोड़ी सेलिंग जो है वो स्टार्ट हुई। तो ये है सिमिलर है बिल्कुल पोको F1 की, बिल्कुल एग्जैक्ट पेस्ट जैसा समझो इसे, बस इसमें अंतर ये है
कि आपको देखने को मिल रहा है इसमें किरिन का 970 फ्लेक्सी प्रोसेसर है, ये इन्हीं का फ्लेक्सी प्रोसेसर है हुआबे का, और ये प्रोसेसर बिल्कुल सिमिलर है स्नैपड्रैगन के 845 के। लगभग अंतर इतना है कि ये दूसरे गेम्स को भी हाई सेटिंग के ऊपर अच्छे से रन कर सकता है। इसी के अलावा आपकी इसमें देखने को मिलेगा 664 का इंटरनल स्टोरेज रैम वेरियंट, और ये एक्सपेंडेबल है, आगे और भी आप इसे कर सकते हैं। इसमें मेन बात ये है कि आपको इसमें GPU गेमिंग टर्बो देखने को मिल रहा है, जो कि आपको इन गेम को बूस्ट कर सकता है, जिससे आपका गेम जो और मोस्ट यानी जितनी ताकत से मोर पावरफुली रन कर सके आपका इस प्रोसेसर, और आपका फ़ोन विदाउट हीटिंग अच्छे से आपको गेमिंग विदाउट ले आपको खेलने को मिले। इसमें स्पेक्स होंगे 6.31 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, 300 750 mAh की आपको इसमें पावरफुल बैटरी देखने को मिलेगी, 16+2 MP का डुअल रियर कैमरा और 16 MP का एक फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा। इसकी प्राइस जो है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 16,000, जो कि 664 GB स्टोरेज वेरियंट के लिए आपको देखने को मिलता है। अब इसी लिस्ट में हमारा फोर्थ स्मार्टफोन आता है, वो हम सभी का प्यारा है, वो है रेडमी नोट 7 प्रो, जो कि इसकी मेन हाईलाइट है 48 MP का बैक कैमरा, प्लस आपको इसमें 5 MP का डेप्थ कैमरा भी देखने को मिल रहा है। तो इस फोन में आपको गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन ना ही आपको सिर्फ फ्रंट में देखने को मिल रही है, यहाँ तक कि आपको बैक में भी देखने को मिल रही है, जिससे फोन के ऊपर आपको बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं देखने को मिलेंगे आगे भी और पीछे भी। और इसमें आपको जो बॉडी जो है ग्लास बॉडी देखने को मिल रही है पीछे की तरफ, तो आपको एक प्रीमियम लुक भी आपको ये अफोर्ड करके देगा ये फोन। इसमें जो है आपको देखने को मिलेगी 6.3 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, और साथ ही साथ ये जो फोन है ये 845 प्रोसेसर से पावर नहीं है, ये थोड़ा सा कम वाले से, इसका नाम है स्नैपड्रैगन 675 SoC। विदाउट लेग आपको ये जो है आपको दे सकता है, इतनी कुछ खास यानी 845 के बिल्कुल कॉम्पिटेबल नहीं है, ये थोड़ा सा कम है उससे। इसमें आपको देखने को मिलेगा 6 GB और 128 GB स्टोरेज रैम वेरियंट, और 4000 mAh की बैटरी, और साथ ही साथ इसकी प्राइस जो है वो सिर्फ है आपको देखने को मिल रही है 17,000 रुपये 6 GB और 128 GB रैम स्टोरेज वेरियंट के। तो लास्ट फोन जो आता है इसी हमारी लिस्ट में, वो है Realme 3 Pro। तो आप सभी में से बहुत सारे को मैंने ऑलरेडी ये फ़ोन सजेस्ट किया कि यार आप ले सकते हो इसको भी, Realme 3 Pro को भी, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट कंपनी है जो कि इंडिया में काम कर रही है, अच्छा अपना वर्क दिखा रही है, ओप्पो का सब ब्रांड है ये। तो ये जो आपको इसमें देखने को मिल रहा है बेबी पैटर्न पीछे की तरफ से, यानी एक ऐसा पैटर्न कलर वेरिएंट देखने को मिल रहा है, जिससे थोड़े से आपको अच्छी आई कैचिंग लुक जो है देखने को मिलेगी आपको स्मार्टफोन में। इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल रही है, लेकिन आपको इसमें सिर्फ आपको फ्रंट की तरफ देखने को मिल रही है, जो कि 6.3 इंच की इसकी फुल एचडी प्लस डिस्प्ले जो है उस पर। इसी के साथ साथ इसमें आपको देखने को मिल रहा है स्नैपड्रैगन 710, जो कि पावरफुल है रेडमी नोट 7 प्रो के प्रोसेसर से। तो ये आप थोड़ा सा चेक कर सकते हो कि इन दोनों फोन्स में क्या अंतर है Redmi Note 7 Pro में और Realme 3 Pro में। ये एक ऐसा रेयर फोन है जो कि अंडर आपको 15K मिल रहा है, जिसमें आप जो है फोर्टनाइट को खेल सकते हैं विदाउट एनी लेग के, और वो भी हाई सेटिंग के ऊपर, और ये जो है स्मूथ रन कर सकता है फोर्टनाइट को। इसमें आपको देखने को मिल रही 4045 mAh की बैटरी, साथ ही साथ आपको 20 वाट का बुक चार्जिंग मिल रहा है। बुक चार्जिंग ये है कि 0 to 100% सिर्फ आपके 75 मिनट में, वो भी सिर्फ 45 यानी 1.5 घंटे में आपको पूरा 100% जो फोन है वो कम्प्लीट हो जाएगा। इसमें आपको देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का सेंसर, जो कि आपको सेम टू सेम देखने को मिला था वन प्लस 60 में, और साथ ही साथ 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग, और फ्रंट की तरफ आपको देखने को मिलेगा 25 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा, जो कि आ रहा है ये जो फ़ोन है ये 17K का है, जो कि 6 128 GB स्टोरेज वेरियंट के लिए आपको मिलता है। तो यही कुछ टॉप लिस्ट बनाई थी मैंने, जो कि अंडर 25 के आपको हर एक यानी हर एक बजट सेगमेंट में आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये फोन्स के आपको स्पेक्स और आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा फ़ोन लेना है। तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। सैल्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स, सो विद ड्रग्स रिस्पेक्ट मूवमेंट। जय हिंद, वंदे मातरम।